कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह का आज सुबह निधन हो गया। 86 साल के बूटा सिंह काफी समय से बीमार चल रहे थे। बूटा सिंह को 8 बार लोकसभा के सांसद भी चुने जा चुके हैं। उन्हें 8 बार लोकसभा का सदस्य भी चुना गया। वहीं आपको बता दें कि साल 2004 से 2006 तक बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल रहे। 2007 से 2010 तक मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। आपको बता दें कि बीते साल 26 अक्टूबर को 86 साल के बूटा सिंह को ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। यहीं पर उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका निधन हो गया। राजीव गांधी के बेहद करीबी भी माने जाते थे बूटा सिंह। आपको बता दें कि बूटा सिंह को पंजाब के बड़े दलित नेता के रूप में जाना जाता था। वह राजीव गांधी के काफी करीबी नेता थे। बूटा सिंह राजीव गांधी की सरकार में गृह मंत्री भी रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 1967 से लगातार पंजाब के रोपड़ चुनाव लड़ते आ रहे थे। तो वहीं बूटा सिंह को दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। उन्होंने भारत में और विदेशों में खासकर से अकाल तख्त साहिब के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्होंने दिल्ली और अन्य जगहों पर गुरुद्वारों के पुनर्निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें कि नेहरू गांधी परिवार के विश्वास पात्र रहे सरदार बूटा सिंह ने भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री और अन्य कार्यभार के अलावा बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण विभागों का संचालन किया। तो वही आपको बता दें कि बूटा सिंह के निधन पर राजनीति के कई बड़े हस्तियों ने अपना शोक प्रकट किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि बूटा सिंह गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए अनुभवी प्रशासक और प्रभावी आवाज थे। उनके निधन से दुखी हूं। बूटा सिंह के परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, सरदार बूटा सिंह जी के ध्यान से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, जिसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। इस मुश्किल समय में उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं।